ये गया गाइस, हमारा पराठा आ चुका है यहाँ पर और अब देखे इस पे। ओहो हो भाई साहब, वेलकम टू एमएम इंडिया गाइस। तो भाई आज हम आ गए देसी पंजाबी तड़का, फरीदाबाद का भाई सबसे बड़ा तंदूरी पराठा मिलता है। तो ये देखिए अभी भैया हमारे जो उसकी स्टफिंग कर रहे हो भैया आप तंदूरी पराठे के लिए, पनीर प्याज की स्टफिंग। अच्छा, पनीर और प्याज की स्टफिंग रहती है। ये गाइस ये देखिए हमारे पनीर को, अराउंड कितना पनीर चलेगा, कितना ग्राम पनीर चला गया होगा इसमें? इसमें 250 ग्राम तो भाई पनीर जा चुका है। और ऊपर से आगे प्याज और हरी मिर्च जो इन्होंने पहले से ही काट के रख रखी है। एंड ऊपर ये आपका अपना खुद का मसाला है, खुद का मसाला ये आ गया है भाई, स्वाद अनुसार नमक और इसको जो है बढ़िया तरीके से मैश करके भाई हमारा बन रहा है। अच्छा, पनीर आलू मिल जैसे आप बोलो वैसे। ओके, तो ये देखिए भैया ने ठोक के ही आटा ले लिया, ठोक के पर आटा है तो ठोक के ही आटा लिया और ठोक के ही इनकी स्टफिंग रहती है। क्यों? ये पनीर प्याज है। हाँ, अच्छा, तो इसमें जो है अगर किसी हमारे कस्टमर को जो है अपनी तरफ से कस्टमाइजेशन में लाइक आलू प्याज का चाहिए हो या कुछ और चाहिए हो, आलू प्याज का चाहिए हो या कुछ और चाहिए हो तो आलू प्याज मिल जाएगा। अच्छा, पनीर प्याज मिल जाएगा। अच्छा, ठोक के मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, तो आप गाइस एक बार बस आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको प्राइस जब बताऊंगा ना और जो साथ में मिलता है प्राइस के साथ आपकी लाइक आप सोचोगे रियली यार काफी वर्थ इट है, आप बस वीडियो में बने रहिए। ये जो है हमारा भाई लाइक पूरे फरीदाबाद में नहीं मिलता होगा भाई इतना बड़ा पराठा, आप देख सकते हैं पराठे तो बहुत हैं, पता है पराठे हर कोई बना लेता है बड़े बड़े, पर वो तवे पे बनाते हैं, इनकी स्पेशलिटी ये है ये तंदूर पे बनाते। देखते हैं आपको, देख सकते हैं आप, ये राउंड कितने फुट का पराठा जाएगा भैया? 2 फुट का पराठा होगा। तो गाइस 2 फुट का पराठा होगा ये, आप देख सकते हो 2 फुट का पराठा है और ये जाएगा गाइस हमारा तंदूर के अंदर। ऊपर से इन्होंने थोड़ा सा बटर लगा दिया है और ये गया गाइस हमारा पराठा तंदूर के अंदर। तो इसको कितना टाइम लगेगा? 2 से 5 मिनट। 2 से 5 मिनट। तो भाई हमारा पराठा जो है भैया अच्छे से एक बार दिखाना, रोक कर दिखा देना एक बार जनता को, एक बार ऐसे हवा में रोक देना। ये गया गाइस हमारा पराठा आ चुका है यहाँ पर और अब देखे इस पे। ओ हो भाई साहब, देख सकते हैं भाई ये है इनका ठोक के पराठा, थाली में लगा ठोक के पराठा है ये भाई इनका। तो एक बार भैया दर्शकों को इसका प्राइस बता दीजिए। 110 रुपये इसका प्राइस है। और भाई अब देखिए इसमें जो आएगा ये देख सकते हैं आप दोस्तों, पूरी भाई अमूल की मक्खन की टिक्की, यही जो मैं आपके लिए सस्पेंस बना के रखा था वीडियो में, ये पूरी मक्खन की टिक्की जाती है इसमें। ये आ गई हमारी मक्खन की टिक्की, तो ये आ गया हमारा भाई अचार, अचार मिक्स अचार आ गया और चटनी आ गई और साथ में देख प्याज, ये है इनका ठोक के पराठा। तो आप इसको आलू प्याज की स्टफिंग, मिक्स स्टफिंग, और मैंने तो मेरा मन था पनीर प्याज की स्टफिंग में लेने का, तो मैंने पनीर प्याज की स्टफिंग में लिया अपना ठोक के पराठा। तो चलिए मैं आपको उसको टेस्ट करके बताता हूँ। तो ये देखिए गाइस ये आ गया हमारा भाई ठोक के पराठा, देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। और चलिए मैं आपको उसकी टेस्टिंग करके बताता हूँ, मात्र 110 रुपये इसका प्राइस है, आप देख सकते हो भाई साहब। भाई मेरे को प्लेट में अंदर करना पड़ रहा है यार, ये पराठा बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और देख ये देखिए अमूल बटर, मेरा लाइक काफी टाइम से मन था यार ऐसे, कभी अमूल बटर नहीं रगड़ा यार मैंने कभी यहाँ पर। गाइस यहाँ पर जो है ना आप भी आकर एंजॉय कर सकते हैं फरीदाबाद में सेक्टर 10 के अंदर देसी पंजाबी तड़का। और इनके पास जो है ना अराउंड लाइक 3 तरह के पराठे मिलते हैं, 70 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, 70 रुपये का आलू प्याज का, 90 का पनीर प्याज का और 110 रुपये का मिलता है इनके पास गाइस ठोक के पराठा जो मैं ये खा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को जो है ना आलू प्याज का थोड़ा मन नहीं था आलू की स्टफिंग का, तो मैंने जो है इनसे अपनी प्याज की सिर्फ पनीर और उसकी स्टफिंग करवाई थी प्याज की। और वैसे आपको 110 रुपये में आलू प्याज पनीर तीनों की स्टफिंग मिक्स मिलती है, आप देख सकते हो स्टफिंग देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और ये ले लिया गाइस मैंने थोड़ा सा अपना अमूल बटर जो मैंने इधर मेल्ट, यार अमूल बटर जो है ना ऐसे लगाने में मजा है, ये देखिए मक्खन ही मक्खन हो गया कुछ ज़्यादा ही। तो गाइस ये रही मेरी वाइट, और चलिए मैं आपको उसको टेस्टिंग करके बताता हूँ। एक्चुअली तवे पे तो कोई भी बना लेता है इतना बड़ा पराठा, पर बात है तंदूर की और पराठा कहीं से भी कच्चा नहीं है, मेन बात ये है क्योंकि भाई मोस्टली लोग जो छोटे पराठे ही कच्चे निकालते हैं, एंड पराठा इतना बड़ा पराठा भी कहीं से कच्चा नहीं है। तो आप भी अगर एंजॉय कर सकते हैं इसको देसी पंजाबी तड़का पे, एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे को फॉलो जरूर कर लें बिकॉज हम आपके लिए यूनिक यूनिक कंटेंट लाते रहते हैं।